हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्रेंड आरके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर रिमोट अगर ख़राब हो जाता है टाटा स्काई का, तो आप अपने मोबाइल में रिमोट कैसे यूज कर सकते हो टाटा स्काई का। ठीक है, तो देख सकते हो आप, ये मेरा है मोबाइल। सो दोस्तों, मोबाइल से हम यहाँ पर चैनल चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये रिमोट है, यहाँ पर रख देता हूँ आपके सामने इस प्रकार से, और अभी मैं चैनल चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो आप, चैनल हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो या फिर आवाज़ कम करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो दोस्तों, एकदम सिंपल तरीका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मोबाइल से आप जो है रिमोट यूज कर सकते हो टाटा स्काई का। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, मेन मैं बातें बता दूँ आपको कि आपके मोबाइल में ये वाला सेंसर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक सेंसर होता है, वो अगर नहीं है आपके मोबाइल में, तो आप कितना भी ट्राई कर ले, कोई भी ऐप अगर इंस्टॉल कर लोगे मोबाइल के अंदर में, तो आपका रिमोट जो है टाटा स्काई का हो या कोई भी डिश टीवी का, तो आपके मोबाइल में नहीं चालू होगा। ठीक है, तो मोबाइल से आप यूज़ नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो इस एक आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाके आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, प्ले स्टोर में जाके ही यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो ये रिमोट है, यहाँ पर रख देता हूँ मैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको टाटा स्काई रिमोट कंट्रोल यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सर्च कर लेता हूँ मैं, और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना यहाँ से। ठीक है, तो इस ऐप को, फर्स्ट वाले को ही यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसी ऐप की मैं आपको लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो दोस्तों, वो ऐप जब आपका इंस्टॉल हो जाता है, तो इस प्रकार से आपके सामने डायरेक्टली पेज आ जाता है। ठीक है, वहाँ पर कोई जो परमिशन से, वो कोई परमिशन नहीं मांगता ये ऐप, सीधा ये ऐसे ही ओपन हो जाता है। तो एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि आपका रिमोट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरा रिमोट कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो ये वाला तो नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पर आपको 5-6 रिमोट्स मिल जाएंगे अलग अलग, टाटा स्काई के ही है ये। तो आपका कौन सा मॉडल है आपका रिमोट का, वो यहाँ पर सेट कर लेना। ठीक है, तो देख सकते हो ये वाला रिमोट मेरा है। ओके, सो ये ओपन होने के बाद उसके ऊपर सिर्फ एक बार आपने ओके करना है, तो कुछ ऐड चलेंगे, उसको अपने स्किप कर देना है। ओके, सो आपका यहाँ पर रिमोट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, रिमोट ओपन होने के बाद में आपको जो भी चैनल चेंज करना है, या फिर पूरा रिमोट ही यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर नंबर भी से भी चैनल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 171 लगा के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो, चैनल यहाँ पर 171 ऊपर आ चुका है, जो कि टाटा स्काई में स्टार उत्सव है। ओके, सो उसके बाद में हम यहाँ से चैनल चेंज करके दिखाऊंगा, तो यहाँ से भी आपको चैनल चेंज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो आप यहाँ पर, तो पूरा जो रिमोट है आपके मोबाइल से कंट्रोल यहाँ पर होता है। तो आप देख सकते हो, ये मेरा ही मोबाइल है। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।